नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 के 2 दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे इस साल के सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह के 23 दिन के टोटल कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म हो गई हिट और कौन सी रह चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें कबीर सिंह फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आज कंप्लीट कर लिए हैं 23 दिन, यानी कि फिल्म का चौथा हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर चालू हो चुका है। लेकिन दोस्तों चौथा हफ्ता स्टार्ट होने के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है और नई रिलीज फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें कबीर सिंह के अब तक के टोटल कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह, जिसे डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वेंगा ने, इस फिल्म का बजट था 55 करोड़ रुपए और इस फिल्म को अपने पहले हफ्ते में 3123 स्क्रीन में रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों अब फिल्म का जहां चौथा हफ्ता चल रहा है, तो फिल्म के पास बची है सिर्फ 650 स्क्रीन। और अगर बात करें 650 स्क्रीन के अब तक के टोटल कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 134 करोड़ 42 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने दूसरे हफ्ते में कमाए थे 78 करोड़ 80 लाख रुपए। और तीसरे हफ्ते की बात करें, तो दोस्तों फिल्म ने तीसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 36 करोड़ 40 लाख रुपए। वही दोस्तों अगर बात करें चौथे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने चौथे हफ्ते में दस्तक देते ही अपने 22वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई की लगभग 2 करोड़ रुपये। और अगर बात करें 23वें दिन की, तो ये फिल्म 23वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है 3 करोड़ 50 लाख रुपये। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो 23 दिन का इंडियन नेट कलेक्शन जो होता है वो हो चुका है 255 करोड़ 10 लाख रुपए। वही अगर बात करें ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 302 करोड़ रुपए और वही फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में लगभग 32 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी के साथ दोस्तों जो फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 334 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सुपर 30 के बारे में। तो दोस्तों सुपर 30 फिल्म को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने। वही इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन, मृणाल ठाकुर, पंकज त्रिपाठी और आदित्य श्रीवास्तव। आपको बता दें दोस्तों ये फिल्म पटना के जाने माने गणित के टीचर आनंद कुमार की बायोपिक है, जिसमें आनंद कुमार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म बनके काफी शानदार तैयार हुई है और फिल्म लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म इस साल की अब तक की बेस्ट फिल्म बताई जा रही है और जो भी लोग इस फिल्म को देख रहे हैं सभी ने इस फिल्म की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने भी सुपर 30 फिल्म नहीं देखी, तो मैं आपको ये स्पेशल रिकमेंड करूँगा कि इस फिल्म को देख के जरूर आए, काफ़ी शानदार फिल्म है। तो दोस्तों अच्छे रिव्यूज़ की वजह से फिल्म के जो कलेक्शन है वो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी शानदार रहे हैं। अगर बात करें हम सुपर 30 के बजट के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म बनके तैयार हुई है लगभग 85 करोड़ रुपए में, जिसमें 45 करोड़ रुपए ऋतिक रोशन की फीस है। वही दोस्तों आपको बता दें फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग का कॉस्ट है लगभग 25 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है लगभग 110 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों आपको बता दें फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के पहले अपने डिजिटल राइट, सेटेलाइट राइट, म्यूजिक राइट और ओवरसीज राइट बेचकर 80 करोड़ रुपए की रिकवरी भी कर ली थी। अब अगर बात करें फिल्म के स्क्रीन काउंट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया है लगभग 3200 से 3600 स्क्रीन के बीच में। अब अगर बात करें फिल्म के 2 दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म को जिस तरह से अच्छे रिव्यूज मिले थे उसके कारण फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाकेदार ओपनिंग ली और अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपये। वही बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म को दूसरे दिन और भी बॉक्स ऑफिस
ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और फिल्म सुबह के शो से ही हाउसफुल चल रही है। तो जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आई है उसके मुताबिक सुपर 30 फिल्म अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है लगभग 17 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों सुपर 30 का जो दो दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 32 करोड़ 50 लाख रुपये। आपको बता दूं दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 80 से 90 करोड़ की कमाई करना होगी, जो कि लग रहा है कि ये फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही 100 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर लेगी। तो दोस्तों ये रहा इन दोनों फिल्मों का अब तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपने ये दोनों फिल्में देखी होगी। अगर आपने सुपर 30 और कबीर सिंह दोनों फिल्में देखी है तो इसमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, शाहिद कपूर की कबीर सिंह या ऋतिक रोशन की सुपर 30? अपने फेवरेट फिल्म का नाम कमेंट करके जरूर बताएं और डेली बॉक्स ऑफिस अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।